तो चलिए स्टूडेंट, आपकी ये सेकंड क्लास होने जा रही है जो आपकी वर्ड प्रोसेसिंग की क्लास चल रही थी, यानी कि एमएस वर्ड जिसको आप कह सकते हैं, लेकिन एमएस वर्ड नहीं है यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिब्रा ऑफिस का राइटर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो ये आपकी उसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक आपको आई बॉल बटन पर मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। उसमें आपको सारा सेटअप समझाया गया था, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग होता है क्या, उसको ओपन करना, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, साइड बार, डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना और हेल्प बटन, पेज सेटअप, लेआउट, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। पीडीएफ क्रिएशन, कट कॉपी पेस्ट, रीडू, फाइंड, रिप्लेस, ग्रामर, स्पेलिंग चेक, ऑटो करेक्ट, ये सारी चीजें मैंने आपको उसमें बता दी थी। तो अब हम बात करेंगे, इसके आगे चलते हैं। तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा सॉफ्टवेयर के बारे में सिर्फ जानकारी दी गई। बाकी काम इसमें वही करते हैं, लेटर का काम या उसी से आप तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखने बेसिकली यही मेन्यू होते हैं कि किस तरह से पेपर को यानी कोई सेटअप को एडजस्ट किया जाता है। बाद में इसलिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास एक फॉर्मेट अवेलेबल है। इसके बाद हमारा दो मेन्यू खत्म हो गए थे, व्यू मेन्यू चल रहा था। तो व्यू मेन्यू में भी लगभग आपके अगर रूलर वगैरह आपको हटाना है यहाँ से तो व्यू मेन्यू पे जाके रूलर को हटा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे टूल बार दिए गए हैं, जो भी आपको टूल बार लगाना है, जैसे फाइंड का टूल बार है आपने यहाँ पे यूज कर लिया, तो यहाँ से सारे टूल बार जो भी आपको यूज करने हैं वो टूल बार यहाँ पे जाएं और टूल बार का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप सारे टूल बार को यूज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूले का टूल बार भी आपको दिया गया है, अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो इसमें टेक्स्ट के रूप में फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपको इसमें दिया जाता है। तो आगे चलते हैं। तो अब आपको बताते हैं इसमें व्यू मेनू, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं। जूम करना है तो यहाँ पे आप जूम कर सकते हैं पेज को, वही चीज है कि यहाँ से आप कर लें या पेज का साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नीचे आपको ये मेनू मिलता है, यहाँ से भी आप बाय डिफॉल्ट 100 नंबर पे जो आपका होता है साइज उतना आप रखें, और यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है, पीडीएफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। और व्यू में आपको मिलता है डेटा सोर्स का ऑप्शन मिलता है, नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है, नेविगेटर में आपका क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको हेडिंग्स मिल जाती है, टेबल है, आपने कोई इमेज लगाई, ग्राफिक लगाई, वो सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। ये जब आप लगाएंगे इसमें तभी ये आपका काम करेगा। और क्या ऑप्शन है आपका, फुल स्क्रीन पे करना चाहते हैं तो इस प्रकार से फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं, और इसको कैंसिल करने के लिए एस्केप की दबा देंगे तो आपका फुल स्क्रीन जो है वो वहां से हट जाएगा। तो ये है आपका टोटल सेटअप। आगे चलते हैं, इसी में आपका आ जाता है इंसर्ट बार। अब इंसर्ट में क्या है, पहला ऑप्शन मिलता है मैनुअल ब्रेक का, यानी कि अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि लाइन अगर आपको ब्रेक करनी है कोई, यहाँ पे अगर आपने लाइन सेलेक्ट करी है, मान लीजिए आपको ये लाइन यहाँ से ब्रेक करनी है तो आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से आप लाइन मैनुअली ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप करेंगे तो ये आपकी लाइन जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ से ब्रेक हो गई है, या फिर इसको कंट्रोल जेड करते हैं वापस लाते हैं, या फिर और क्या ऑप्शन मिलता है इसमें, कॉलम को अगर ब्रेक करना है पूरा कॉलम आपका ब्रेक हो जाएगा एक, और क्या ऑप्शन मिलता है आपको इसमें, अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो यहाँ से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि अब आप जो है दूसरे पेज पे आ जाएंगे, यानी कि अगर आपको पेज यहाँ से दूसरे पेज पे जाना है तो आप नीचे चलते चले जाएंगे, आपका नेक्स्ट पेज जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे दो पेज आपके लगे हुए हैं, अब यहाँ पे अगर आप आए सेकंड पेज पे, यहाँ से आपको तीसरा पेज जनरेट करना है तो मैनुअल पे जाए, पेज ब्रेक करें, और यहाँ पे स्टाइल भी मिलती है, किस किस स्टाइल में आप नेक्स्ट पेज चाहते हैं वहां से स्टाइल भी आप डाल सकते हैं, यानी कि जो आप पेज ब्रेक कर रहे हैं वो आपको किस स्टाइल में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, राइट पेज पे चाहिए, जो जिस पे चाहिए हमने नन पे लगाया है। तो अब यहाँ पे जितने आप देखेंगे यहाँ पे तीन पेज आपका दिखाएगा स्टेटस बार में, तो अभी हमने तीन पेज ब्रेक किए तो इस प्रकार से पेज को हम ब्रेक करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, मान लीजिए है आप इंटर दबाते जाएंगे नीचे चला नीचे जाता जाएगा, आपने ऑटोमेटिकली पेज आपका ब्रेक होता जाएगा, एक तरीका आपका ये है। अगर ये तरीका नहीं यूज करना चाहते इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पेज ब्रेक के लिए सिंपल हो जाए, यहाँ पे क्लिक करें और आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या फीचर है इसमें, फील्ड का ऑप्शन है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको क्या मिलता है, टाइम और डेट ऐड करनी है, यहाँ पे डेट ऐड करनी है तो आपने डेट पे क्लिक कर दिया, आपका डेट यहाँ पे आ गया। अब इसको चाहते हैं कि आप सभी पेज पे आपकी डेट आए तो इसके लिए आप सीधे इसको हेडर में डाल देंगे तो आपका इस ये जो डेट है वो आपकी सभी पेज में आ जाएगी। यहाँ पे डेट चाहते हैं, जहाँ पे भी आप डेट चाहते हैं वहां पे क्लिक करेंगे, माउस का पॉइंटर जहां पे होगा आपका वो वहीं पे डेट आपकी प्रिंट कर देगा। उसके बाद आप चाहते हैं कि टाइम भी आपका जो लेटेस्ट हो रहा है वो टाइम प्रिंट हो जाए तो यहाँ पर टाइम पे क्लिक कर देंगे तो आपका टाइम भी प्रिंट हो जाएगा यहीं पे। उसके बाद आप फील्ड में पेज नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा, जहाँ पे भी आप डालना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे डालना चाहते हैं या हेडर में डालना चाहते हैं
तो हेडर पे क्लिक करेंगे, हेडर की यहाँ पे स्टाइल पूछेगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा, हेडर हेडर फुटर जब पढ़ाऊंगा। अभी पेज नंबर डालने के लिए यहाँ पे आपका पेज नंबर आ जाएगा, सभी में डालना चाहते हैं तो आप सीधे हेडर में डाल देंगे तो सभी में आपका पेज नंबर शो हो जाएगा। वो भी मैं आपको बताएंगे। पेज काउंट करना है, क्लिक करें यहाँ पे तो पेज काउंट आपको बता देगा कितने आपके पेज चल रहे हैं टोटल, वो आपको बता देगा यहाँ पे। उसके बाद है ऑप्शन इसमें इस सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या, यानी कोई हेडर वगैरह डाली है तो वो आपका सब्जेक्ट यहाँ बता देगा। उसके बाद है आपका इसमें टाइटल, अगर आपने कोई डाला वही सारा आपका हेडर के अंदर ये फाइलें आएंगी, तो यहाँ पे आपको हेडर का ऑप्शन मिलता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ मेन्यू के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद है आप ऑप्शन इसमें आपका इंसर्ट मेन्यू में फील्ड के अंदर ऑथर है टाइटल वही सारा चीज हो गई आपकी, या अदर कोई ऑप्शन देना चाहते हैं तो अदर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके और ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, यानी कि आप दे सकते हैं तमाम ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आपका स्पेशल करेक्टर, यानी कि आपके सिंबल्स जो होते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, अगर आपको कोई सिंबल्स देना है, कोई ड्राइंग डालनी है तो आप यहाँ से लेके उर्दू वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाती है, सारे लगभग अल्फाबेट मिल जाते हैं। मान लीजिए आपने आपको इस प्रकार का देना है तो आपने ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे इस प्रकार से बटन आ गई आपकी, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, स्पेशल करेक्टर से। फॉर्मेटिंग टेस्ट क्या है, नन ब्रेकिंग स्टेप है, यानी कि फॉर्मेटिंग इसको आपने बढ़ा दिया, यहाँ पे माउस पॉइंटर था बेसिकली, ये बढ़ाने के लिए होता है, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है, आप यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ऑप्शन हट गया है आपका, इंसर्ट में जाएं, व्यू पे जाएं, टूल बार पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, तो ये आपका फॉर्मेटिंग आ गई, ये ऑप्शन है आपका बेसिकली खिसकाने के लिए, डिक्रीजन इंक्रीजन, तो ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ को भी वही आपको दिया गया है और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है सेक्शन का, सेक्शन का मतलब क्या है, सेक्शन कि आपको कितने कॉलम में डालना है वो सारा ऑप्शन मिलता है, 2 कॉलम में डालना है, 3 कॉलम में इसको प्रिंट कराना है, तो ये आपका 3 कॉलम में, जब आप इसमें कोई लिखेंगे तो आपका जो प्रिंट होके आएगा वो आपका 3 कॉलम में चला जाएगा, वो सारा चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। अब इसी को आपको 3 कॉलम में करना है तो इस पर क्लिक करें, इंसर्ट पे जाएं, सेक्शन पे जाएं और कॉलम पे जाएं, और यहाँ पे आप 2 कॉलम सेलेक्ट कर देंगे तो आपका जो है वो देखिए 3 कॉलम में आपका हो जाएगा, एक कॉलम आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया, और इसमें काफी गैप नहीं है, इस कारण से आपको ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ये बीच में कर दिया तो आपको ये 3 कॉलम में दिखाई देगा, तो ये आपके कॉलम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और ऑप्शन आपको दिखाते हैं इसमें क्या है आपके लिए, फॉर्मेटिंग में गए हम, और ऑप्शन इसमें है कॉलम है इंडेक्स है आपका, बैकग्राउंड डालना चाहते हैं, फुट नोट एड नोट डालना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी आप डाल सकते हैं इस प्रकार से कलर, तो ये नीचे करते चले जाएंगे पूरे पे कलर हो जाएगा सिंगल, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये कोई कठिन काम नहीं है। आगे चलते हैं, आगे है इसमें आपका हेडर, अब आपका हेडर आता है डिवाल हेडर और फुटर आता है, अब हेडर फुटर किस प्रकार से लगाते हैं मैं नई फाइल को ओपन करके आपको फिर से बताता हूँ, जिससे कि आपको ठीक से समझ में आए। तो हमने ये टेक्स्ट लिया मान लीजिए, अब हमको हेडर लगाना है तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है इस पे इस प्रकार से, अब यहाँ से आपसे पूछेगा हेडर जो आपको लगाना है वो किस प्रकार से लगाना है, यानी कि हेडर का बैकग्राउंड डालना है, बॉर्डर डालना है, या हेडर को डिलीट करना है, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, हेडर आपका डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमको कुछ डालना है इसमें तो हमने सिंपल सा लिखा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको पेज नंबर डालना है हेडर पे, तो इंसर्ट पे जाएं और फील्ड पे जाएं और पेज नंबर डाल देंगे तो यहाँ पे आपका हेडर में पेज नंबर आ जाएगा, और पेज को ब्रेक करेंगे हम जब तो देखेंगे यहाँ पे आपका पेज नंबर 2 आ गया, यानी कि जो भी चीज आप हेडर में डालेंगे तो वो आपका सभी में आपका वो काम करेगा। अब मान लीजिए ओ लेवल, मैं डालता हूँ यहाँ पे ओ लेवल कोर्स 2020 हमने डाला यहाँ पे, इसको हमने सेंटर पे किया, इसको अभी हम हटा देते हैं नंबर को, अभी अभी आपको सिर्फ हेडर बता रहे हैं किस प्रकार से बनाना है। मान लीजिए आपको कोई हेडर बनाना है, हेडर फाइल बनानी है, इस प्रकार से आपने किया, उसका कलर हमने दे दिया, मान लीजिए आपको कलर देना था, आपने देखा होगा हमारे पीडीएफ में जो भी हम देते हैं उसमें कलर आपको इस प्रकार से मिलता है बना बनाया, और इसका आपने साइज दे दिया मान लीजिए, फॉन्ट आपने चेंज कर दिया, बोल्ड कर दिया, तो इस प्रकार से आपने दिया। अब आप
देखिए आपका हेडर फाइल बन गई, अब ये आपकी हर पेज में प्रिंट होके आएगी। तो इस प्रकार से हेडर लगाते हैं, और इसी का आपको फुटर लगाना है तो आप नीचे चले जाएं, यहाँ पे जहाँ पे आपका फुटर होता है यहाँ पे जाके क्लिक कर दें। यहीं पे आप ये भी लिखना चाहते हैं, ओलेबल पीडीएफ नोट मान लीजिए आपको डालना था, ये आपने डाल दिया। अब यहाँ पे आप इसका साइज दे दें, और जो टेक्स्ट का कलर देना चाहते हैं आप वो कलर दे सकते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से आपने दे दिया, इसको बंद कर देंगे तो जितने भी नीचे जाएंगे सभी में आपका वो ओलेबल पीडीएफ नोट्स आपका शो होके आएगा। तो इस प्रकार से हेडर और फुटर को बनाते हैं, और इसके अंदर आप बुलेट या जो भी चीज़ देना चाहें, कलर देना चाहें, पेज नंबर देना चाहें, वो सारा आपका यहीं पे आ जाएगा। राइट क्लिक करके भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, केस अगर चेंज करना चाहते हैं, लोअर केस, अपर केस, और कोई फॉर्मेटिंग है इस पे, करेक्टर वगैरह हैं, तो सारा ऑप्शन आपको इसके अंदर ही मिल जाता है। और यहाँ से आपने हेडर लगा दिया, फुटर लगा दिया, तो ये दो ऑप्शन आपको मिल गए। अब बुक मार्क क्या ऑप्शन है, बुक मार्क आपको लगाना है मान लीजिए, तो इन्हीं का आप बुक मार्क भी लगा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपको बुक मार्क बेसिकली देना पड़ेगा तभी आपका वो काम करेगा। तो इसको हटाते हैं, ये कोई काम का नहीं है आपका। क्रॉस रेफरेंस है, इसमें आप इंसर्ट करा सकते हैं रेफरेंस, कोई है पेज करेक्टर है उसको आप कर सकते हैं। फंक्शंस है इसमें, डॉक्यूमेंटेशन है, तो अलग अलग चीज है इसमें। आगे चलते हैं, इसमें ऑप्शन मिलता है कमेंट, अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कमेंट डाल सकते हैं, जैसे कि कमेंट आपका उसमें भी था, कमेंट आपका जैसे कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में डालते थे किसी भी, उस पर आप कमेंट डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप कमेंट डालना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके इसमें आप कमेंट डाल सकते हैं। जैसे आप उस पर जाएंगे तो आपका जो कमेंट है वो शो होगा। तो आप इस पर आप जाएंगे जब भी, तो आपका जो है वो कमेंट आपका इस प्रकार से शो होके आएगा, हेलो आपका यहाँ पे लिख के आएगा। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट ऑल पर क्लिक करेंगे, आपका कमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपका स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, यहाँ पे कोई जावा स्क्रिप्ट का है उसका यूआरएल लिंक देना चाहते हैं तो वो आपको हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है इंडेक्स एंड टेबल, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, जितनी टेबल आपको डालनी है वो आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, टेबल आपकी बनी बनाई आपको जनरेट हो जाएगी। ये आपका इंडेक्स है बेसिकली, इंसर्ट इंडेक्स अल्फाबेटिक टेबल कंटेंट जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, ये बेसिकली अभी काम नहीं करेगा। उसके बाद आपका इनवलप है, इसमें बने बनाए लिफाफे आपको मिल जाएंगे, उसके फॉर्मेट मिल जाएंगे यहाँ पे, तो अगर वो देना है आपको वो आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा इनवेलप यहाँ बन के आ जाएगा। और ऑप्शन है इसमें आपका फ्रेम, अगर देना चाहते हैं तो फ्रेम आप दे सकते हैं, जैसे कि वर्ड मैप, हाइपर लिंक, बॉर्डर है, बैकग्राउंड है, कॉलम है, मैक्रोस है, वही सारे ऑप्शन आपको सभी जगह इसमें मिल जाएंगे। फ्रेम का साइज आपका कितना बड़ा होना चाहिए, जो आपका बॉर्डर है उसके, इस प्रकार से इसके अंदर आपको लिखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली फ्रेम का ऑप्शन दिया गया, अच्छा ऑप्शन है इसमें जो आपको इसमें मिलता है। तो ये लिफाफे के अंदर देखिए सब डेटा आ गया, अगर इसके अंदर भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है इसमें आपका टेबल यहाँ पे आ जाती है, अब यहाँ पे आप टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो इंसर्ट करा के टेबल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जितनी टेबल रो देंगे आप वो उतनी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से टेबल हम ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई डेटा फिट कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, सारा काम आप इसी में कर सकते हैं। और इसके अंदर कलर वगैरह डालना है तो यहाँ से आप कलर वगैरह डाल सकते हैं, और भी तमाम ऑप्शन मिलते हैं, डिलीट करना है, रो को ऐड करना है, कॉलम को ऐड करना है, डेट कैलेंडर डालना है, तो सारा चीज़ आपको दे सकते हैं इसी इसी टेबल के अंदर मिल जाता है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका डेटा फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे कलर आपको मिल जाएंगे, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो बना सकते हैं। सेम उसी तरह जैसे कि आप उसमें करते हैं वैसे आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद है आपका इसमें पिक्चर्स ऐड करनी है, स्कैन स्कैन कोई पिक्चर या फ्रॉम फाइल से आपको कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आप यहाँ से जाकर सिंपल सा पिक्चर्स को भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी में करते हैं, तो सिंपल से आपकी पिक्चर्स यहाँ पे ऐड होके आ जाएगी, इसको आप कहीं भी रख सकते हैं। तो ये फीचर इसमें अच्छा है काफ़ी ज़्यादा, इसमें आप ड्रैग ड्रॉप आराम से कर सकते हैं, इमेज का मैप देखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल वगैरह डालना चाहते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी इसमें आपको अच्छी दी गई है, पिक्चर को एडिट आप आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इंसर्ट में आपको और क्या ऑप्शन मिलता है, मूवी एंड साउंड, मूवी एंड साउंड का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको कोई मूवी साउंड ऐड क्लिप के लिए ऐड करनी है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट में,
बेसिकली इतने ही ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट है, इसमें ओएलई प्लगइन करना चाहते हैं, फॉर्मूला या चार्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आपका चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा आप देख सकते हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है डिफरेंट एक तरह से है, तो यहाँ से अपना चार्ट वगैरह को एडिट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई डेटा डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप असेंडिंग, सॉर्टिंग, स्केलिंग जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, और चार्ट मिल जाते हैं आपको। ये ऑप्शन मिलेगा आपको चार्ट टाइप, बार है, पाई है, जो भी लगाना चाहते हैं वो इस प्रकार से क्लिक कर देंगे तो आपका चार्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसमें कलर देना चाहते हैं जो भी वो आप दे सकते हैं। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं जो इसमें हम लोग यूज करते हैं, मैंने आपको बता दिए सारे फीचर जो कि आपको इंसर्ट मेन्यू मिलते हैं, मैनुअल ब्रेक से लेके फील्ड, स्पेशल कैरेक्टर, सेक्शन, हाइपरलिंक, हेडर, फुटर, बुकमार्क, जो आपको सारा फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद आपका फ्लोटिंग फ्रेम है, यहाँ से आप फ्रेम वगैरह डाल सकते हैं, फ्लोटिंग करता हुआ फ्रेम, मान लीजिए आप हाई डालते हैं, कंटेंट आपको यहाँ से लेना पड़ेगा तब यहाँ पे आपका वो फ्लोटिंग करेगा। तो ये सब अलग चीज़ें आपके कोर्स में नहीं है, जो आपके कोर्स में है वो मैं पढ़ा दे रहा हूँ जो कि यहाँ पे आपका दिया गया है। तो इसमें आपका हो गया हेडर फुटर, हो गया टेबल वगैरह बनाना, इंसर्ट करना, ड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ बेसिकली आप ऐसे सिंपल सा आपका बिल्कुल जो टॉपिक है इसमें दिया गया और इसी में आपका पूरा इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें इसमें सिखाऊंगा, उसको आप देखें जो आपके काम आएगी, इसे लेटर बनाना, इनवेलप बनाना और फोटो वगैरह इससे बनाना, वो सारी चीज़ मैं इसको आपको सिखा दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेटिंग टैग। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट टैब में, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे जो भी आपकी फॉर्मेटिंग होगी बाय डिफॉल्ट आपने जो डाली होगी वो आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो आपने कंट्रोल एम दबाया तो आपकी चेंज हो गई। अब यहाँ पे करेक्टर मिलता है, पहला ऑप्शन है करेक्टर का, करेक्टर पे जाएंगे तो आपको इसमें मिलेगा पहला ऑप्शन फॉन्ट का। यहाँ से अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं और बाय डिफॉल्ट जो आप देना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं या साइज देना चाहते हैं, जैसे कि आपका नोट पैड में होता है सेम वही फीचर है ये। उसके बाद फॉन्ट का इफेक्ट किस प्रकार देना चाहते हैं, फॉन्ट का कलर यहाँ पे हो गया, ओवरलाइन कलर हो गया, स्ट्राइक थ्रो हो गया, आपका इफेक्ट हो गया, कैपिटल रहेगा, लोअर लोअर केस में रहेगा, और आउटलाइन देना चाहते हैं, शेडो देना चाहते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको इसमें मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको आप चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं, वापस आते हैं, फिर फॉर्मेट में ऑप्शन मिलता है। तो उसके बाद आपका पोजीशन देनी है, सब स्क्रिप्ट में कैसे लिखना है आपको, तो इस प्रकार से सब स्क्रिप्ट में आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या ऑप्शन है आपका यहाँ पे फॉर्मेट में, करेक्टर में गए हम, हाइपर लिंक देना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे आप कोई लिंक देना चाहते हैं, यहाँ पे google.com डाल दें और यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये इस पे जैसे क्लिक करेंगे वो आपका google.com वाले पेज पे चला जाएगा। उसके बाद ऑप्शन मिलता है इसमें करेक्टर में आपका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर डालना है वो यहाँ से आप कलर डाल सकते हैं, तो आपका बैकग्राउंड का जो कलर है वो पूरा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे नो फिल पे कलेक्ट है। तो ये इतने ऑप्शन आपको मिलते हैं करेक्टर में। अब पैराग्राफ में क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं, पैराग्राफ में सबसे पहला ऑप्शन है आपका इंडेक्स एंड शेपिंग, यानी कि जैसे कि आपको कितना शेपिंग देना है आपको अपने टेक्स्ट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेपिंग चेंज हो रही है, इस सभी में आपको ऑप्शन मिलते हैं। आफ्टर टेक्स्ट के बाद कितनी शेपिंग देनी है वो आप दे सकते हैं, तो ये आपके टेक्स्ट के बाद यहाँ पे शेपिंग चेंज हो जाएगी। और ये आपको बाय डिफॉल्ट भी ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर इसको पैराग्राफ का टूल बार आपको लगाना है तो व्यू पे जाएं, टूल बार पे जाएं, और क्या ऑप्शन था आपका यहाँ पे पैराग्राफ, तो यहाँ पे पैराग्राफ का जो भी यहाँ पे है आप उसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका बाय डिफॉल्ट आपकी फॉर्मेटिंग जो होगी वो आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद है ऑप्शन इसमें पैराग्राफ में आपका अलाइनमेंट आपको करना है, लेफ्ट, राइट, सेंटर में, ये सारा ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। आउटलाइन देनी है आपको वो यहाँ पे मिल जाएगी, टैब्स देने हैं आपको लेफ्ट राइट में, ड्रॉप कैप डालने हैं वो भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है इस प्रकार से, जैसे कि आपको वर्ड में मिलता है पहला लेटर, अगर आपको ड्रॉप कैप डालना है तो वो ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, फॉर्मेट टैब पे जाएं, पैराग्राफ पे जाएं, और बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है, बॉर्डर लगाना चाहते हैं इस प्रकार से आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, सेम सारा चीज़ आपको उसमें मिलेगी, स्टाइल देना चाहते हैं वो स्टाइल भी दे सकते हैं यहाँ पे, और भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका बॉर्डर इस प्रकार से आ जाएगा, इसका पूरे का बॉर्डर देना चाहते हैं पूरे का बॉर्डर आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी में आपका ऑप्शन है बुलेट एंड नंबरिंग का। अभी जो यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग दी गई इसमें आपको सारे ऑप्शन नहीं मिलते हैं, सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा बुलेट ऐड करनी है तो कैसे आप लगाएंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको लगाना है। अगर आपको और ज़्यादा बुलेट लगानी है उसके लिए फॉर्मेट टैब का यूज़ करेंगे और यहाँ पे जाएंगे बुलेट एंड नंबरिंग पे। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे तो पहले बुलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट बुलेट्स होती हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप बुलेट इस प्रकार से लगा सकते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और ज़रा नीचे लाते हैं और इसको हम पेस्ट करते हैं दो तीन, आप देख सकते हैं जो बुलेट आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली बुलेट इसमें बनती चली जा रही हैं।
इस प्रकार से। तो जो बुलेट आप देना चाहते हैं बुलेट नंबरिंग पे जाएं और वो बुलेट ले सकते हैं। नंबर देना चाहते हैं रोमन वाला तो नंबर भी आप लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो देखेंगे यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा। और आउटलाइन देना चाहते हैं इस प्रकार से, ग्राफिक्स लिए देना चाहते हैं कोई, तो ग्राफिक्स भी आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको बुलेट नंबरिंग में मिल जाते हैं। कोई पोजीशन देना चाहते हैं, किस जगह पे लगाना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा, तो ये दे सकते हैं। तो ये बुलेट नंबरिंग के लिए पेज का सेटअप में देखते हैं। तो यहाँ पे पेज का ऑप्शन मिलता है इसमें, जो पेज की सेटिंग देना चाहते हैं वो किस प्रकार की रहेगी। पेज हो गया यहाँ पे, इसका साइज कितना बड़ा छोटा रहेगा, जो उसकी फॉर्मेटिंग होगी वो आप दे सकते हैं। लेफ्ट राइट जो भी है यहाँ पे कर सकते हैं। पेज का सेटअप वो देखिए चेंज हो गया आपका। और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको पेज में, बैकग्राउंड दे सकते हैं, हेडर दे सकते हैं, यहाँ पे फोटर दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, कॉलम दे सकते हैं और फुट नोट दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद फॉर्मेट में आपको ऑप्शन मिलता है टाइटल पेज का, यानी कि आप टाइटल किस प्रकार से देना चाहते हैं, इंसर्ट अ न्यू टाइटल ऐड करना चाहते हैं, नंबर ऑफ टाइटल कितने रहेंगे आपके, वो चीज़ें आप इसमें दे सकते हैं। तो ये आपका टाइटल, आपका न्यू पेज पे टाइटल आपका आ गया, उसमें आप जो भी चाहें वो चीज़ इसमें दे सकते हैं। तो अभी हम बैक करते हैं, हमको कोई टाइटल वगैरह ऐड नहीं करना है। आगे चलते हैं, इसमें ऑप्शन मिलता है आपको स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेट में चेंज केस, यानी कि लोअर केस अपर केस जैसे कि ये है, अभी इसको आपको सारा आप अपर केस में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपर केस में सारा आपका हो गया चेंज, सारा आप लोअर केस में करना चाहते हैं तो आपका लोअर केस में हो गया, केस सेंसिटिव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका टोंगल केस में हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिले हुए हैं, आप उसका यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम लगाने हैं कितने, 1 2 3, वो आप कर सकते हैं यहाँ से। इस प्रकार से कॉलम आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्मेट में ऑप्शन मिलता है सेक्शन का, सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं या सेक्शन में कोई लिंक देना चाहते हैं वो, प्रोटेक्शन का ऑप्शन यहाँ से, अगर पासवर्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पे विद प्रोटेक्शन पासवर्ड भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आप पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे जॉन, और कंफर्म कर दिया जॉन से, और आपने मिनिमम 5 करेक्टर बोला है, तो मान लीजिए मैंने डाल दिया यहाँ पे विकास, आप इसको ओके कर देंगे आप, तो आपके जो फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी। जब भी इसको ओपन करेंगे तो आपसे इसमें पासवर्ड मांगेगा। जैसे कि आपको पूछा जाता है कि पासवर्ड अगर जनरेट करना है तो सेक्शन वाले ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी मिलेगा। तो इसको रिमूव करना चाहते हैं तो पासवर्ड डाल दें यहाँ पे, अभी हमने फाइल को सेव नहीं किया है लेकिन मैं इसको रिमूव भी कर दे रहा हूँ पासवर्ड को, यहाँ से हमने पासवर्ड को रिमूव कर दिया, अब ओके कर दें तो आपका पासवर्ड रिमूव हो गया। अब इसको आप कोई भी ओपन कर सकता है। उसके बाद इसमें स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो जिस स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग में देना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे ऑप्शन आपका ऑटो करेक्शन है, वो हो जाएगा, एंकर है, पे वैप है आपका, कहीं पे वैप देना चाहते हैं तो वो सारे ऑप्शन यहाँ से आपके एक्टिवेट होते हैं। अलाइनमेंट देना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, यानी कि मान लीजिए कोई इमेज है उसके ऊपर दूसरा इमेज देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने टेक्स्ट लिया और इसके ऊपर आपको ब्रिंग, अब ये ऑप्शन आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा, अरेंज ये दे सकते हैं, ब्रिंग टू, इसको फॉरवर्ड करना चाहते हैं फॉरवर्ड हो जाएगा, या फिर इसको आप फ्रंट में देना चाहते हैं और इसको आप चाहते हैं पीछे चला जाए तो यहाँ से भी आप अरेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करके बैकवर्ड में चला जाएगा आपका या फॉरवर्ड में चला जाएगा, जहाँ भी आप देना चाहते हैं अलाइन करके ये आपका हो जाएगा। तो ये हैं फीचर्स इसके आपके। फ्लिप फ्लॉप करना चाहते हैं, फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा आपका, जैसे जैसे आप चाहेंगे वैसा ये आपका हो जाएगा। इसमें टेक्स्ट आप डाल सकते हैं या पॉइंट देना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं, वो सारा ऑप्शन आपका यहीं से एक्टिवेट होगा। आगे चलते हैं, आगे इसमें ऑप्शन है आपका, बस इतना ही ऑप्शन इसमें आपके जो है दिए गए हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं, मैंने आपको सारे मेन्यू के बारे में बता दिया है कि किस मेन्यू से आप क्या क्या कर सकते हैं, और भी चीज़ें आप इसमें ऐड करते हैं, जैसे आप ऑप्शन यूज़ करते जाएंगे आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। एक चीज़ मैं कंप्लीट आपको फॉर्म पूरा बनाकर दिखा दूंगा, जिससे कि पूरा वर्ड किस प्रकार से यूज़ किया जाता है वो मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कि एक रिज्यूम मैं आपको बनाकर बता दूंगा, इसमें सही से आप उसको समझ लीजिएगा, आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इसको आप यूज़ करें, प्रैक्टिस करें घर पे, मैंने जैसे कि आपको बता दिया है, आप इसको यूज़ करके देखें। थोड़ा सा डिफरेंट है वर्ड से आपका और थोड़ा सा आपको नया लगेगा, इसमें मेन्यूज जो आपको थोड़े ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन लगभग मैंने सारे मेन्यू आपको दिखा दिए कैसे उनको यूज़ करना है।
इसके बाद हमारे पास टेबल मेनू है, अगर टेबल इंसर्ट करनी है कंट्रोल F12 इसकी शॉर्टकट की है और यहाँ से आप जाकर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और सेम वही फीचर्स है इसमें, कलर वगैरह जो भी डालना है या उसको ब्रेक करना है, इसमें और ज़्यादा ऑप्शन आपको आसानी से मिल जाते हैं उनको ब्रेक करने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से ब्रेक कर दिया, तो जहाँ पे नीचे आप आएंगे यहाँ पे आपको सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, जिस भी फॉर्मेट में आप जहाँ भी ब्रेक करना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसको एडिट करने में। उसके बाद आपको इसमें डिलीट करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है, वही पूरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पे टूल बार में आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। और कुछ चीज़ देना चाहते हैं एरो वगैरह तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे बाय डिफॉल्ट, ये आपके ड्राइंग टैब में दिए गए हैं, इसमें तमाम तरह के शेप्स दिए गए हैं, आप यहाँ से शेप्स लगा सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे साइज काफ़ी बड़ा है इसलिए इसका साइज यहाँ से छोटा कर लें, लाइन नन कर दें तो उसमें लाइन आपकी जो है नहीं आएगी, तो ये है इसीलिए आपकी लाइन इसमें आ रही थी, नन कर दें तो अब शेप में आपकी लाइन नहीं आएगी, आराम से आप इसमें काम कर सकते हैं। तमाम तरह के शेप्स यहाँ पे दिए गए, डिस्काउंट वगैरह लगाना चाहते हैं तो डिस्काउंट के लिए इस प्रकार से आपको दिया गया है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा भी चाहें, इसमें कलर दे सकते हैं, ग्रेडियंट का ऑप्शन भी आपको मिलता है, इसमें ग्रेडियंट वगैरह भी आप इसमें दे सकते हैं, 3D का ऑप्शन है, बैक फ्रंट में ले जाना है वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये सारे चीज़ें हैं इसमें जो आप यूज़ कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, टेबल के अंदर वही चीज़ें हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल को, फॉर्मूला देना चाहते हैं, ऑटो फिट करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, जो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया टेबल के अंदर, जो यहाँ पे आप टेबल लगाएंगे आपको सीधे नीचे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे स्टेटस बार पे, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं या वही मेनू आप जाके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे पास है टूल्स का ऑप्शन मिलता है जिसमें स्पेलिंग चेक है, जैसे कि मान लीजिए वेयर लिखा है, वेयर की स्पेलिंग चेक अगर आपको करनी है टूल्स पे जाएं, स्पेलिंग चेक F7 दबाएंगे तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग चेक के बारे में पता चल जाएगा, और जो भी अगर आपके उसमें डिक्शनरी में होगी नहीं होगी तो आप इग्नोर कर देंगे तो आपका वो हटता चला जाएगा, नहीं तो राइट क्लिक करेंगे तब भी रैंडमाइज है, हुमर है, इस प्रकार से आप उसको ऑटो करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्ड काउंट करना चाहते हैं वर्ड काउंट कर सकते हैं, वर्ड आपके 385 हैं और कितने स्पेसेस हैं वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। उसके बाद है आपका आउटलाइन नंबरिंग करना चाहते हैं, आउटलाइन देना चाहते हैं, हेडिंग कितनी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, ओके कर देंगे तो आपके हेडिंग वगैरह चेंज हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद आपको इसमें है लाइन नंबरिंग देना चाहते हैं, नंबरिंग हो जाएगी यहाँ से आपकी, और है फुट नोट है, गैलरी देना चाहते हैं, बायोग्राफिक डेटाबेस देना चाहते हैं वो भी आपको ऑप्शन मिलता है इस प्रकार से, बाय डिफॉल्ट इस प्रकार से बायोग्राफिक देना चाहते हैं पूरा, आप यहाँ पे डेटा फिलअप कर देंगे आप, और उसके बाद इसको जब सेव करेंगे तो आपका जो डेटाबेस है वो बाय डिफॉल्ट आपका उसमें चला जाएगा, आपके वर्ड फाइल में ये आपका चला जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है, इसको भी हम यूज़ करना आपको सिखाएंगे, बायोग्राफिक फीचर इसको कहते हैं जो कि आपका इसमें दिया गया है। उसके बाद एड्रेस बुक देना चाहते हैं, मेल मर्ज है, अपडेट करना चाहते हैं यहाँ से, मैक्रोज है, मैक्रोज को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैक्रो को यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा किस प्रकार से मैक्रो वगैरह यूज़ करना है बनाने के लिए, अभी आप सिर्फ मेन्यू समझ लें। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मैनेजर है, कौन सी एक्सटेंशन आप यूज़ कर रहे हैं या और भी एक्सटेंशन इसमें मिलती है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कस्टमाइज यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से और ज़्यादा फीचर्स हैं इसकी, जो सेटिंग्स होती हैं लिब्रे ऑफिस की वो आप यहाँ से सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, कितना साइज देना चाहते हैं, लैंग्वेजेस हो गई तो यहाँ पर लगभग तमाम सारी लैंग्वेज यहाँ पर अवेलेबल है, उनको आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो उसके बाद विंडोज़ है, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलता है, क्लोज का ऑप्शन मिलता है, हेल्प में जाएंगे तो यहाँ पे आपको हेल्प बटन मिल जाएगी। तो इतना पूरा आपका सॉफ्टवेयर है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मेनू है इसमें, सारे मेनू मैंने आपको बता दिए हैं, इस प्रकार से इसलिए आपके काम करेंगे। अगर आपको यहाँ से कोई फीचर्स मिस हो जाता है तो आप यहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सारे फीचर्स आपके रहेंगे, डिलीट नहीं होंगे, और आपको टूल बार्स यूज़ करने हैं तो यहाँ पे आप टूल बार पे जाएं, आप यहाँ से सारे टूल्स बार्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं, तो आपको तमाम तरह के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सिंपल सी भाषा मैंने आपको सब कुछ समझा दिए, सारे मेनू के कोई मेनू ऑप्शन नहीं छूटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे मेनू के मैंने ऑप्शन बता दिए, अब इसमें जो काम जिस प्रकार से किया जाता है वो मैंने काम नहीं आपको बताया, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ मेनू डिस्कशन कर दिए, सारे मेनू दिखा दिए कहाँ पे सारे मेनू होते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको इसमें समझा दी है। अब इसमें बनाते किस प्रकार से हैं, रिज्यूम किस प्रकार से बनाते हैं,
या कोई लेटर किस वगैरह से टाइप करते हैं, वो मैं आपको एक फॉर्मेटिंग बना दूंगा, बताकर दिखा दूंगा एक अलग से वीडियो में, उसको आप देखो, वो आपका प्रैक्टिकल के तौर पर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अच्छी लाइक करें, शेयर करें। आपका यहीं पे वर्ड का जो चैप्टर है वो खत्म होता है, दो वीडियो में आपका मैंने इसको खत्म कर दिया, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसकी कुछ शॉर्टकट्स कीज हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। शॉर्टकट कीज के इस पे क्वेश्चन, एक्सटेंशन के क्वेश्चन जो है इसमें आपके पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम में बेसिकली शॉर्टकट की के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसकी मैं एक, इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा, मॉडल पेपर आपको दूंगा, जिसमें शॉर्टकट कीज और एक्सटेंशन के क्वेश्चन होंगे, इसमें उसको हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।